दोस्तों मार्केट जैसा रसीली और टेस्टी जलेबी बनाना चाह रहे हैं तो पहली बार में घर पे आसानी से बनाएं। ये वीडियो पूरा देखें। इसको बनाना इतना आसान है कि आप देख के चौंक जाएंगे। आप लोग एक एक चीज़ स्क्रीन पे फॉलो करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें, यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन नया वीडियो देखने के लिए। ये एक कटोरी चीनी है जिसका मात्रा है 200 ग्राम, आधा कटोरी पानी है जिसका मात्रा है 100 ग्राम, एक पिंच फूड कलर है, येलो फूड कलर है। दोस्तों आप लोग ना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इसके जगह पर केसर के धागे डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हिला हिला के एकदम 4 से 5 मिनट पकाएंगे मीडियम आंच पे। दोस्तों ये बहुत अच्छा चिपचिपा चाशनी बन के तैयार हो जाता है। इसको एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, नहीं तो जलेबी हमारा अच्छा नहीं बनेगा। चिपचिपा चाशनी होगा तभी बनेगा। अब ये है मैदा, आधा कटोरी मैदा जिसका वजन है 100 ग्राम, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच देसी घी। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, कुछ तामझाम नहीं। चाहे दोस्तों तो इसमें एक चुटकी आप नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे। हलवाई भाई लोग ऐसे बनाते हैं, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। सभी सामग्री को मिला करके धीरे धीरे इसका हम घोल बना लेंगे। एक थिक बैटर जो कि एकदम परफेक्ट जलेबी का होता है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। ऐसे आप लोग स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। पहले इसको अच्छे से हम फेंटेंगे, एकदम लंच नहीं होना चाहिए दोस्तों। लंच रहेगा तो फिर अच्छा जलेबी नहीं बनेगा। तो ये देखिए इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर फेंटने के बाद इसमें हल्का सा हम फूड कलर डालेंगे, ऐसे ही जो भी। तो देखिए इसमें येलो फूड कलर ही हम डालेंगे जो कि देखने में सुंदर लगता है और जलेबी का रंग रूप उसी से पता चलता है। बिल्कुल ऐसा ही बनाना है बैटर, आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, एक एक चीज़ ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छे से झटपट में 10 मिनट में कोई अपने घर में जलेबी बना ले। इससे इजी कोई रेसिपी हो ही नहीं सकता है। ये हम फूड कलर डाल दिए, ये बहुत झटपट में बन जाता, बस आने की ज़रूरत है। बाज़ार में इतना महंगा है, घर पे अगर एक बार आप लोग बना लेंगे तो इसको बनाने में कोई तामझाम नहीं है, कोई भी इसको बना सकता है। एकदम 10 से 15 मिनट में आपका जलेबी आपके थाली में आ जाएगा, आप खा के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे ही करना है, तो एकदम परफेक्ट बैटर बन रहा है जो कि जलेबी का बैटर होता है दोस्तों। एकदम ना गाढ़ा ना पतला, आप लोग देख रहे हैं एकदम ऐसे ही होना चाहिए। मैं रेसिपी प्रतिदिन नया नया डालती हूँ, तो प्रतिदिन मेरा रेसिपी देखने के लिए मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें फेसबुक पे और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पाइपिंग बैग है, ऐसे भी कोई दूध का थैला, नमक का थैला, कुछ में भी आप डाल के उसका कोना काट सकते हैं। तो पाइपिंग बैग रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, तो उसी में मैं डाल दी, डाल के इसको अच्छे से और उसका कोने को हम काट देंगे। जब तेल एकदम गर्म रहेगा तो उसमें हम गोल गोल घुमा लेंगे। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, यकीन मानिए आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिए, क्योंकि इससे इजी जलेबी बनाने का रेसिपी कहीं है ही नहीं। ये देखिए है कि नहीं, तो ऐसे ही करके। और फिर चलिए हम आगे का चाशनी देख लो। तो चाशनी मेरा चिपचिपा हो गया है दोस्तों, तो इसको हम उतार के साइड कर देंगे और जलेबी बना बना के उसमें हम डालते जाएँगे दोस्तों। फिर ऐसे ही इसको देखिए एकदम चिपचिपा सा चाशनी बनके ये तैयार हो गया दोस्तों। तो इसको हम उतार लेंगे और उसी पे एक हम बर्तन रखेंगे जिसमें हम जलेबी बनाएंगे। जलेबी कोई भी एकदम चौड़ा तल वाला बर्तन होना चाहिए। तो मेरे पास पैन है, इसमें हम डाले वेजिटेबल्स ऑयल दोस्तों जिसका मात्रा है 250 ग्राम। ये गर्म हो गया, अब इसको गोल गोल बना लेंगे। बहुत ईजी होता है, ये बनते जाता है, फूलते जाता है, कहीं से चिपकता भी नहीं दोस्तों। ऐसे ही एकदम मीडियम फ्लेम पर बनाएँ, तेज आँच पर ना बनाएँ। मीडियम फ्लेम पर बनाएँगे तो आपकी जलेबी एकदम रसीली और कुरकुरी बनेगी। एक एक चीज़ ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपका रेसिपी बहुत परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगा, जो कि जो खाएगा आपका बहुत तारीफ करेगा। तो ये देखिए ऐसे ही अलट पलट के इसको एक पलट कर दिए हैं, और ये दूसरा पलट है दोस्तों। बस उसके बाद ये तैयार हो गया। तो इधर वाला हो गया है, इधर वाला थोड़ा इसको एक बार और पलटेंगे। ये देख सकते हैं अपने समझ में आ जाता है कि कौन जलेबी बन गया है कुरकुरा। इसको ऐसे ही करके हम निकाल के चाशनी में सीधे हम डाल देंगे दोस्तों, जो कि वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, बना है बहुत टेस्टी है और ये रेसिपी सबको पसंद है। ये मलाई के साथ खाएं चाहे रबड़ी के साथ खाएं, हम बहुत मज़ा आ जाता है। दावत में एक ये रेसिपी होता है,
स्टॉल पे, आप लोग कहीं भी देखते होंगे दोस्तों, तो ये देखिए इसको हम 2 मिनट बस छोड़ेंगे और फिर निकाल देंगे। पूरा चाशनी से एकदम सोख गया है, ये पी गया है चाशनी, एकदम रसीला जलेबी बनके तैयार है। फिर दूसरा राउंड का भी ऐसे ही हम बना लेंगे दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं कितना ईजी है जलेबी बनाना। तो ऐसे ही आप लोग बनाएँ और ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़रूर लिखे कि कैसा बना है कमेंट में। तो ये देखिए ऐसे 2 से 3 मिनट बाद फिर इसको हम पलट देंगे। अब बहुत अच्छे से ये बन जाता है दोस्तों, इसको बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है। देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं कि पहली बार में परफेक्ट रसीली जलेबी बनके ये तैयार होने वाली है। एक एक करके सभी जितने भी बैच हैं, जैसे कि जितना में एक पैन में 4 से 5 6 आ रहा है, तो इस बार 6 आया है, पैन चौड़ा है, तो ऐसे ही करके हम जलेबी बना के हम निकाल लेंगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है दोस्तों, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे ही देखिए, तो ये भी कुरकुरा हो गया, तो इसको हम करके हम निकाल देंगे दोस्तों। निकाल के फिर इसको भी हम रस में डाल देंगे जो चाशनी बनाए हैं, और फिर जो तीसरा बचा है उसको भी हम तीसरा बार में हम बना के पूरा जलेबी हम तैयार कर लेंगे दोस्तों। अब बहुत झटपट में पूरा हम झटपट में आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, पूरा प्लेट में इतना जलेबी बन के आया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए सुपर टेस्टी जलेबी बनके तैयार है। ये 1/2 किलो के लमसम जलेबी है दोस्तों। तो ये देखिए, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे एक एक चीज़ फॉलो करने के लिए बोली हूँ, तो आपका रसीली जलेबी बनके तैयार होगा दोस्तों। तो चलिए अगला वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कुछ नया रेसिपी के साथ, कुछ नया। देखिए ऐसे ही कितना बढ़िया टूट रहा है कि इसका ना आवाज़ बंद है, नहीं तो कुरकुरा बना है एकदम। धन्यवाद।